हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांसद नकुलनाथ उमरेठ में की विशाल जनसभा नकुलनाथ का ऐलान सरकार बनते ही छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी वो खुद संभालेंगे। जिले में एक बार फिर शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान 5 साल से कम उम्र के 2.5 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत नगर निगम दफ्तर के सामने से बनेगी सड़क जिला भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने किया भूमि पूजन। और नौतपा में मौसम के बदले तेवर तेज हवाओं के साथ बारिश चौरे में गिरे ओले। नमस्कार स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने परासिया विधानसभा क्षेत्र के उमरेठ ब्लॉक में गोमो ग्राम में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से ग्रामीण पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया और कहा कि देश का पिछड़ा प्रदेश बन गया है मध्य प्रदेश। यहां बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न के साथ ही महंगाई और कुपोषण नंबर 1 स्थिति में आ गए हैं। कमलनाथ ने कहा कि 15 महीनों की सरकार में हमने लोगों की सुध ली और अपने वचन भी पूरे कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि कार्यकर्ता की मंशा सरकार बनते ही पूरी होगी। सरकार बनने पर क्षेत्रीय अध्यक्षों को एक बैच दिया जाएगा जो मंत्रालय में गेट पास का काम करेगा। सभा को जिले के सांसद नकुलनाथ ने भी संबोधित किया और कहा कि हमें बहलाने फुसलाने की राजनीति से बचना होगा और सरकार बनते ही छिंदवाड़ा की कमान मैं पूरी तरह संभाल लूंगा क्योंकि कमलनाथ जी प्रदेश में व्यस्त रहेंगे। मैं चुनाव प्रचार के समय छिंदवाड़ा जिले में ही रहूंगा। आपको जहां मेरी आवश्यकता रहेगी मैं वहां आऊंगा। अच्छा एक और चीज जो मैंने देखा है पिछले कई चुनावों में हम अपने प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हम जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाते। मैं तो पूरे जिले में दौरा कर रहा हूं। कई जगह तो महिलाओं को नारी सम्मान योजना के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं कि 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, 1500 रुपए महीने मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जहां भी जाएं चुनाव प्रचार और प्रसार जरूर करें। कांग्रेस की जो योजनाएं आई हैं उनको जनता से अवगत कराएं। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, अगर आप ये गुटबाजी 4-5 महीने के लिए छोड़ देंगे और आपसी विवाद छोड़ देंगे तो कोई ताकत नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को जीतने से रोक सके और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे जनता तक ये बात पहुंचाएंगे और आपको आपको छाती ठोक के कैसे कहते हैं कि हमारी सरकार थी हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, पेंशन दोगुनी करी, गौशाला बनाए 1000 गौशाला हमने 11 महीने में बना ली। तो आपको किसी चीज से सिर नहीं झुकाना, आपको आक्रामक होना पड़ेगा और अपना अपना मुंह चलाना सीखना पड़ेगा। बीजेपी मायर है मुंह चलाने में, हम बहुत कमजोर पड़ जाते हैं मुंह चलाने में, ये बात याद रखें। और बात हुई कि जो असली जमीन पर मैदान संभालते हैं उनको कोई याद नहीं करता, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको हमने एक बैच बनाया
बैठ बनाया है, वो तेजी आपको भिजवा देंगे। हर क्षेत्रीय अध्यक्ष और समन्वय को ये बैच दिया जाएगा, और ये बैच जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बैच आपका मंत्रालय में आने का गेट पास होगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, ये होगा, ये बैच आपको दिया जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सबकी पहचान है। आज हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और समन्वय ये क्या चाहता है? ये तो केवल सम्मान चाहता है, पहचान चाहता है, और तो कुछ नहीं चाहता था। और ये सम्मान और पहचान ही ना मिले तो इसका क्या मतलब? तो ये बहुत आवश्यक है। और आज याद रखिएगा कि आपको आक्रमण होना है। कोविड की बात करिए, अपना जिला एक जिला था पूरे देश में, क्या एक घंटे ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? सही बात है, इंजेक्शन की कमी नहीं थी। शिवराज सिंह जी मुझे फोन करते थे कि हम ऑक्सीजन बंदोबस्त कर दीजिए, ये इंजेक्शन बंदोबस्त कर दीजिए। और अपने जिले से तो बैतूल, सिवनी और बालाघाट तक हमने ऑक्सीजन दिया, क्योंकि मैंने प्रबंध किया था। ये मैंने नहीं देखा कि ये बीजेपी का है या कांग्रेस का, जिसको जरूरत है उसको जरूरत है, जिसको इंजेक्शन की जरूरत है उसको जरूरत है। तो आपको कहने लायक बहुत सारी बात है। और आखिरी बात, व्यवस्थित रूप से आपको काम करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे, आप अपने 5 महीने की डायरी निकाल कर 10 दिन बाद ये करूंगा कि आपकी मेहनत का पूरा फल, पूरा रस तो तभी होएगा जब व्यवस्थित रूप से आप काम करेंगे। आप डायरी बना लीजिए कि अगले महीने ये करना है, 3 हफ्ते बाद ये करना है। अभी त्योहार है तो हम नहीं करेंगे, अभी शादियां हम नहीं कर पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दफे 4 महीने बाद उमरेठ एक नया इतिहास बनाएगा। मैं चाहता हूं कि परासिया विधानसभा में तो उमरेठ का बहुत योगदान रहता है, पर इस दफे ऐतिहासिक योगदान। आपको आप याद रखिएगा, ये चुनाव किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का नहीं, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, अपने जिले के भविष्य का है, अपने क्षेत्र के भविष्य का है, ये इस चुनाव का महत्व है। छिंदवाड़ा जिले में एक बार फिर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है, और इस बार 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 28 मई से शुरू इस अभियान में गांव-गांव, शहर-शहर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। CMHO सहित स्वास्थ्य महकमे के सभी अधिकारियों ने इस अभियान की शुरुआत की। गौरतलब है कि भारत 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया है, लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके चलते सतर्कता बरतते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि आज 28 तारीख को पल्स पोलियो अभियान फिर से संचालित किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि पास के देशों में, अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी कुछ केस ऐसे मिल रहे हैं पल्स पोलियो के, उसकी वजह से यह सुरक्षात्मक रूप से यह कदम उठाया गया है। सन 2012 में अपना देश जो है पोलियो से फ्री हो गया था, और 2014 में 2 साल ऑब्जर्वेशन के बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि भारत जो है पोलियो मुक्त देश की कैटेगरी में आ गया है। लेकिन चूंकि आसपास के देशों में इसका प्रकोप देखने में आया है, तो ध्यान में रखते हुए अभी सुरक्षात्मक रूप से ये कदम उठाया गया कि फिर से एक बार पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। आज अपने ज़िले में लगभग 2,70,000 बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाई जानी है, जिसके लिए 2,235 बूथ हमारे यहाँ बने हुए हैं, टीमें बनी हुई है, उसमें अलग अलग तरह के हैं। कुछ बूथों में जहाँ संख्या कम रहती है तो पहले दिन से ही डोर टू डोर जाके दवा पिलाई जाएगी। इसके अलावा सभी तरह की को ध्यान में रखा गया है कि ऐसी साइट जहाँ पर जैसे ईंट भट्टे वगैरह हैं, जहाँ पर लोग जो माइग्रेशन में रहते हैं या आना जाना रहता है उनका, तो इन लोगों को भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और कुछ ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर जैसे बस स्टैंड वगैरह हैं, जहाँ पर लोगों का आवागमन लगातार रहता है, हर दिन रहता है, तो वहाँ भी कोई बच्चे छूटे ना, इस तरह की सारी कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए
पल्स पोलियो की दवा जो है सभी जगह पिलाई जा रही है ताकि कोई भी बच्चा छूट ना पाए। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है ये। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत छिंदवाड़ा शहर को मिले अनुदान से शहर की सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। इसी क्रम में नगर निगम कार्यालय के सामने से लेकर कलेक्ट्रेट तक बनने वाली रोड का जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर अन्य भाजपा के पदाधिकारी और अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कायाकल्प योजना के तहत छिंदवाड़ा को 7 करोड़ रुपए की राशि दी है, जिसमें शहर के अंदर सड़कों का निर्माण एवं सुधारीकरण किया जाना है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बताया कि शिवराज सरकार छिंदवाड़ा को दिल खोल के योजनाओं के माध्यम से मदद कर रही है। यही वजह है कि छिंदवाड़ा आज केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का गढ़ है। यहाँ योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि 7 विधायक कांग्रेस और नगर निगम जिला पंचायत भी कांग्रेस की होने के बावजूद प्रदेश की शिवराज सरकार छिंदवाड़ा के मामले में कोई भेदभाव नहीं करती, बल्कि अधिक से अधिक विकास योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कायाकल्प अभियान के तहत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने छिंदवाड़ा नगर के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए दिए और इन्हीं 7 करोड़ रुपए से आज शहर की प्रमुख सड़कों का निर्माण कार्य फिर से हो रहा है और उसमें डामरीकरण हो रहा है। आज उसी कड़ी में आज नगर निगम के सामने की जो रोड है भगवान परशुराम जी के पार्क से लेकर के कलेक्टर बंगले और वहाँ से प्रियदर्शनी पार्क तक की यह रोड का हम लोगों ने भूमि पूजन किए हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास और छिंदवाड़े के विकास के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अग्रसर रहते हैं एवं तत्पर रहते हैं और छिंदवाड़े के विकास को लेकर के उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। आज देखा जाए तो 7 की 7 विधायक कांग्रेस के हैं, सांसद कांग्रेस का है, महापौर कांग्रेस का है, लेकिन लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़े के विकास कार्य के लिए राशि भेज रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्त योजनाओं का लाभ छिंदवाड़े को मिल रहा है। आज हमारा छिंदवाड़ा केंद्र की एवं प्रदेश की सरकार की योजनाओं का गढ़ है और आप देखिए समस्त योजनाओं का लाभ चाहे हम लोग देख लें, आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे निःशुल्क राशन का हो या अन्य जो भी योजनाएं हैं उसमें गढ़ छिंदवाड़ा बना हुआ है। सबसे ज़्यादा लाभ अगर कहीं मिल रहा है तो छिंदवाड़े के लिए मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करूँगा कि छिंदवाड़े को कायाकल्प अभियान के तहत उन्होंने पैसा दिया और शहर की जो सड़कें थी जो खराब हो गई थी वो फिर से नई बन रही हैं, नई तरीके से व्यवस्थित हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश में 1990-92 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब शहर की सारी सड़कों का निर्माण कार्य किया गया था। उसके बाद 2003 में सरकार बनी और 2004 में नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई तो पूरे शहर की सड़कों का पुनर्निर्माण का काम किया गया। तब से लगातार छिंदवाड़ा में 2003 से लेकर लगातार छिंदवाड़ा शहर में चौरमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर पालिका काम करती रही। आज वर्तमान में कांग्रेस नगर निगम में बैठी है, उसके बाद भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कायाकल्प योजना के अंतर्गत 7 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम छिंदवाड़ा को दिया है और उससे समूचे शहर की जो डामरीकृत सड़कें हैं उनका पुनर्निर्माण का काम नगर निगम छिंदवाड़ा के द्वारा किया जा रहा है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि बिना भेदभाव के वो छिंदवाड़ा नगर की जनता के विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। आप छिंदवाड़ा वासियों को भी हम हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ यहाँ पर फिर लेते एक ब्रेक, चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम।
फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और रुक करते हैं अगली खबर का। जिले में नौतपा चल रहा है लेकिन वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते कई इलाकों में भीषण गर्मी के बावजूद तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरे हैं। जहां शहर में रविवार को तेज बारिश हुई, वहीं चौरई में तूफानी बारिश के साथ साथ जमकर ओले भी गिरे। आइए आपको दिखाते हैं चौरई में गिरे बारिश और ओलों की तस्वीर। हालांकि मई का वो दौर चल रहा है जब नौतपा चलता है और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। सूरज की गर्मी त्रस्त कर देती है लेकिन इस बार मौसम नए नए रंग दिखा रहा है और नौतपा के सीजन में हवाई बारिश और ओले पड़ रहे हैं। स्वच्छ छिंदवाड़ा के लक्ष्य को लेकर चल रहे नगर निगम के संवेदनशील अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो की एक और नई पहल सामने आई है, जिसमें शहर से कूड़ा कचरा एकत्रित करने के लिए 4 नए इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर उतर गए हैं। जिले के सांसद नकुलनाथ ने इन इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसकी विशेषता होगी कि इनमें सिर्फ गीला कचरा ही भरा जाएगा, जिसके बाद आसानी से इन्हें डीकम्पोज करके खाद में तब्दील कर दिया जा सके। इस अवसर पर महापौर सहित सभी पार्षद और निगम से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। डीकम्पोज बजरंग बली की जैसा लगातार वार्डों से ये मांग उठ रही थी कि गीला कचरा गाड़ी जो है वो हमें कम पड़ रही थी निगम में, तो आदरणीय महापौर जी और सभी परिषद की
मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि चार ई रिक्शा गीला कचरा की गाड़ी हमें जल्द से जल्द लेना पड़ेगा, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये चार ई रिक्शा गाड़ी का आज आदरणीय नकुल नाथ जी ने यहाँ पर शुभारंभ किया। मैं आप सभी को और सभी निगम के सभी हमारे जितने भी सभापति पार्षदगण हैं इनको सबको बधाई देता हूँ कि हम लगातार विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश में जून माह से लाडली बहन योजना की पहली किश्त बहनों को मिलना शुरू हो जाएगी। रविवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गरिमा दामोदर ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि शिवराज सरकार महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है, उसी की महत्वपूर्ण कड़ी लाडली बहना योजना है। उन्होंने बताया इस योजना से बड़ी संख्या में बहनें लाभान्वित होंगी, अपने प्रदेश की बहनों को संबल मिलेगा। इतना ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर अभियान चलाते हुए शिवराज सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं से लोगों को जानकारी देते हुए जुड़ेंगे। प्रदेश की बहनों के सौभाग्य का उदय हुआ है। 10 जून से प्रदेश भर में पंजीकृत 1,25,00,000 से अधिक बहनों में से पात्र बहनों को उनके अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। इतनी बड़ी संख्या में बहनों का पंजीकरण हमारी नीति और हमारी नियत के प्रति प्रदेश की माताओं बहनों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। लाडली बहना योजना मेरी बहनों के जीवन में बदलाव कर नया अध्याय लिखेगी, महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा करेगी और उनके सशक्तिकरण की मिसाल बनेगी। सभी ग्रामों में लाडली बहना सेनाएं बनेगी, बड़े ग्रामों में 21 सदस्य और छोटे ग्रामों में 11 सदस्य शामिल की जाएंगी। वर्ष 2017 में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा सहरिया और भारिया के लिए 1,000 रुपये मासिक प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई थी। इस राशि से महिलाएं घर में फल दूध सब्जी आदि खरीदने का कार्य कर सकती हैं। प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये की मिल रही सहायता महिलाओं के सम्मान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। योजना अंतर्गत हमें 1,25,00,000 से अधिक पंजीयन 10 जून को जमा होगी बहनों के बैंक खातों में पहली किस्त। इस राशि का उपयोग बहनें स्वयं और परिवार की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकेंगे। बेटी के जन्म पर मंगल दिवस आयोजन लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी की स्कूली शिक्षा, कन्या शिक्षा परिसर, आश्रम शालाएँ, छात्रावास, छात्रवृत्ति, निःशुल्क साइकिल, गणवेश, पुस्तकें, बेटी की उच्च शिक्षा लाडली लक्ष्मी 2 प्रतिभा किरण योजना, गांव की बेटी मेघावी विद्यार्थी योजना, विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन, बेटी का विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह कल्याणी विवाह निःशक्तजन विवाह। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए जो ऐतिहासिक संवेदनशील निर्णय लिए हैं, उसके लिए मैं पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से हमारे भैया माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। हमारे देश की मुखिया आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण हुए कार्यकाल पर हम देख रहे हैं कि सफलता पूर्वक उन्होंने अपने 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। मैं जहाँ तक समझती हूँ उनके ऊपर एक भी ऐसा घोटाला का कांड जैसे कि हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री पर लगा है वैसे उन पर एक भी केस नहीं है। वे तन्मयता से भारत की सेवा के लिए, भारत की जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं और 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 1 जून से 30 जून तक प्रत्येक लाभार्थी, प्रत्येक हितग्राही जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का निरंतर लाभ मिल रहा है और हमारी आम जनता के बीच में प्रत्येक कार्यकर्ता जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबके बीच में जाएगा, अपनी योजनाओं के विषय में उनकी चर्चा करेगा। और इसके पहले 2003 के पहले
कब भी मध्य प्रदेश कैसे देखते हैं, और आज 2003 की बात की मध्य प्रदेश में हम चर्चा करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे देश को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाया। इसी खबर के साथ यहाँ पर फिर लेते हैं एक ब्रेक, चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहाँ क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के दो विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्ले ग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क चांद रोड बिजली पावर हाउस के सामने सारसवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और रुक करते हैं अगली खबर का। आउटसोर्स कल्चर को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने पहल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश आउटसोर्स अस्थायी एवं संविदा कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में ये मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में रविवार को राजीव भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 11 जून को एक विशाल धरना आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कैलाश मटेला ने की, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, निर्वाचन, MPB, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 11 जून को आउटसोर्स कल्चर समाप्त कर विभागों में संविलियन की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में होने वाले कर्मचारी महाकुंभ में 5,000 कर्मचारी शामिल होंगे। तो सरकार इस पर बहुत ज्यादा, जैसे हमारा जो 18 तारीख को जो होने वाला है, उस पर अगर हम पूरी अपनी ताकत के साथ पूरे लोग मिलकर सहयोग करते हैं तो जरूर हम इस पर सफलता जरूर हासिल करेंगे। और 11 तारीख को हमको छिंदवाड़ा में जो आंदोलन करना है उस पर आप कोशिश करिए। आज हमने मध्य प्रदेश आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारी कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक की है। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कल्चर समाप्त कराने का अभियान चल रहा है, जिसके तहत भोपाल में 50,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों का महाकुंभ होने वाला है। उस महाकुंभ की तैयारियों के लिए हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, और आगामी 11 जून को हम यहाँ छिंदवाड़ा में भी एक धरना और रैली करने वाले हैं, क्योंकि आउटसोर्स कल्चर जो शिवराज सिंह ने पैदा किया है, इसमें हमारे सारे विभागों कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, उनकी
नौकरी सुरक्षित नहीं है, तनख्वाहें कम कर दी जाती है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हों, आरईएस के लोग हों, वेयर हाउस के लोग हों, चाहे एमपीबी के निकाले गए कर्मचारी हों, मीटर रीडर हों, उन तमाम सारे लोगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इनके हकों को पिछले 15 साल से अन्याय करती चली जा रही है। हम लोग आज भोपाल की रैली की तैयारियों के बारे में चर्चा की और हम लोगों ने तय किया है कि छिंदवाड़ा से 5,000 से ज़्यादा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी भोपाल के महाकुंभ में जाएंगे, जिसका मुख्य अतिथि माननीय कमलनाथ जी होंगे। ये पहली बार भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों का इतना बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, माननीय कमलनाथ जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आने की सहमति हमको दे चुके हैं। इस साल हज के सफर पर जाने वाले हज यात्रियों की तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में जिला हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए गए। जिला अस्पताल में लगे इस कैंप में 181 हज यात्रियों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीके लगाए गए, साथ ही दवा भी पिलाई गई। गौरतलब है कि हज की यात्रा सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहरों में जाकर पूरी होती है। ऐसे में हज यात्रियों को पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र लेना भी होता है, साथ ही उन्हें सभी संक्रामक बीमारियों से मुक्त करने के टीके भी लगाए जाते हैं। आज जिला हज कमेटी की जानिब से छिंदवाड़ा जिले से जो हज यात्रा पर जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है जिला अस्पताल में। जिला हज कमेटी के सहयोग से और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित इस कैंप में जिले भर के तकरीबन 181 हाजी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी यहाँ पर वैक्सीनेशन का लाभ उठा रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इस साल एक बड़ी समस्या आ रही थी करेंसी एक्सचेंज की, तो ये हमको बताती हुई बड़ी खुशी हो रही है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और हज कमेटी के विशेष प्रयासों से पूरे देश में एकमात्र छिंदवाड़ा ऐसा जिला मुख्यालय है जहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी एक्सचेंज की सुविधा यहाँ पर रखी है। गांधीगंज शाखा में सोमवार के दिन से करेंसी एक्सचेंज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी हाजियों से हज पर जाने वाले हाजी उजाज से गुजारिश है कि वो SBI की इंदौर शाखा में जाकर वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिन लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है उनको 2200 रियाल दिए जाएंगे, जिनका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, उन लोगों को 2000 रियाल वहां पर दिए जाएंगे करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में मेरिट में आए विद्यार्थियों का भाजपा नेता सुनील परतेती उनके घर पहुंचकर सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैनीखापा निवासी कैलाश सूर्यवंशी की पुत्री विश्वप्रिया ने 10वीं MP बोर्ड में 94% अंक प्राप्त किए। इस उपलक्ष्य में भाजपा नेता सुनील परतेती ने उनके निवास पहुंचकर तिलक लगाकर उनका सम्मान किया, साथ ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भाजपा नेता रोशन सिग्नापुरे, माता पिता कैलाश सूर्यवंशी, उप सरपंच मैनीखापा धुरंसा धुर्बे, शुभम साहू, मोन्टी सराठे एवं अलका सूर्यवंशी, सत्य प्रकाश, महावीर सूर्यवंशी उपस्थित रहे। आपने 94% अंक हासिल करे, इसके पीछे आप किसका श्रेय मानते हैं? मैं तो अपने गुरुओं का सबसे पहले और फिर अपने माता पिता का श्रेय देना चाहूंगी। आपने कैसे संघर्ष में पढ़ाई करी, कैसे आपका क्या शेड्यूल था सुबह से शाम तक? 95% अंक लाना बहुत कठिन काम होता है। हाँ, डेली सुबह 4 बजे उठना और शाम को स्कूल 11 o'clock लग जाता था, शाम को ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह और उसके बाद शाम को 6 बजे आती थी। आपके माता पिता किस तरह सहयोग प्रदान करते थे आपको? लोग ने हर चीज़ में कोचिंग के लिए मुझे हामी दी और बाकी चीज़ों में बहुत सहयोग किया। आपकी सबसे ज़्यादा रुचि क्या बनना चाहते हैं आप? मैं तो बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ आगे चल करके। और आप अभी किस किस को धन्यवाद देना चाहते हैं? अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को और पूरी मेरी कजन फ्रेंड्स को। आपका पूरा नाम? विश्वप्रिया सूर्यवंशी। इसी के साथ यहाँ पर फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE अफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, टू बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध, एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, Hyderabad. अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो परासिया रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। श्री महेश नवमी के पावन अवसर पर रविवार को विवांता क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा द्वारा महेश्वरी समाज के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में समाज के सदस्यों ने हिस्सा लिया और डॉक्टर से परामर्श किया। स्वर्गीय सेठ फतेह सत्यनारायण जी राठी माहेश्वरी भवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में विवांता हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के लिपिड प्रोफाइल, HbA1, CBMD, यूरोफ्लोमेट्री, RBS और BP के टेस्ट किए गए। विवांता हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशांस खरे, MD मेडिसिन डॉक्टर पराग मनपे, विवांता की सिर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलांजना जैन एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ आशुतोष सूर्यवंशी ने बड़ी संख्या में मरीजों की जांच की एवं परामर्श दिया। विवांता हॉस्पिटल की प्रबंध निदेशक श्रद्धा शर्मा कहती हैं कि हॉस्पिटल द्वारा लगभग 5,000 से अधिक कीमत वाले टेस्ट भी समाज के लिए एकदम फ्री किए गए। माहेश्वरी समाज के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेश चांडक ने विवांता हॉस्पिटल की इस पहल की तारीफ करते हुए उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता की सराहना की, साथ ही इस कैंप में मरीजों को मिले बेहतर ट्रीटमेंट और उचित परामर्श से संतुष्टि जाहिर करते हुए आगे भी विवांता हॉस्पिटल के साथ समाज के बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। आज विवांता हॉस्पिटल के द्वारा जो है महेश्वरी समाज में एक कैंप का आयोजन किया गया है। विवांता हॉस्पिटल द्वारा ऐसे कैंप का आयोजन किया जाता रहा है हमेशा, और आज के कैंप में जो है स्पेशली यूरोफ्लोमेट्री जैसे टेस्ट, HbA1c और लिपिड प्रोफाइल और BMD जैसे टेस्ट जो हड्डियों की जांच होती है उसका टेस्ट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी महंगी दरों पे किया जाता है। हॉस्पिटल में 3,500 से 4,000 के टेस्ट होते हैं, उसको निःशुल्क रूप से किया जा रहा है। और आज जो डॉक्टर हमारे सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर पराग मनपे MD मेडिसिन एंड डॉक्टर ईशांश खरे सर यूरोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर नीलांजना जैन मैडम गायनेकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर आशुतोष सूर्यवंशी ऑर्थोपेडिक में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। महेश्वरी समाज छिंदवाड़ा द्वारा महेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस महेश नवमी के अवसर पर 2 दिन के आयोजन छिंदवाड़ा महेश्वरी समाज द्वारा किए गए, जिसमें आज प्रथम दिन सुबह तेज चाल प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़ एवं अन्य ड्राइंग कंपटीशन के साथ अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न लोगों ने पुरस्कार जीते। साथ ही विवांता हॉस्पिटल के सहयोग से आज एक बहुत विशाल कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया,
इस कैंप की विशेषता ये रही कि यहाँ जो जांच हो रही है ये कभी अलग जगह जांच नहीं हुई है। आज प्रथम बार कुछ ऐसी विशेष जांच हो रही है जो निश्चित रूप से समाज के लिए भी गौरव की बात है और छिंदवाड़ा शहर के लिए भी गौरव की बात है। साथ में आज विवांता हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के लगातार उन्होंने हर मरीज का चेक किया, सब चीज़ों की निःशुल्क जाँच करी और उचित मार्गदर्शन दिया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लगातार जिस तरह से लोगों की जांच की उससे सभी समाज के लोग प्रभावित हुए हैं और उनको एक उचित मार्गदर्शन मिला है। मैं महेश्वरी समाज की ओर से विवांता हॉस्पिटल की पूरी टीम और पूरे समाज उन्हीं के पूरी टीम के वर्ग के लोगों को धन्यवाद देता हूं, साथ ही समाज के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि वो कृपया जो उन्होंने आज भाग लेकर के इस शिविर को सफल बनाया, आगे भी हम इस तरह के शिविर विवांता हॉस्पिटल के सहयोग से करते रहेंगे। साथ ही मैं एक अपील करना चाहता हूं, चूँकि महेश नवमी कल सुबह पर्व है और महेश नवमी पर्व पर एक विशाल रैली छिंदवाड़ा में महेश्वरी समाज की निकलेगी जिसमें अधिक से अधिक संख्या में समाज के वर्ग के लोग भाग लें, ऐसा मेरा निवेदन है। पुनः सभी को महेश नवमी की एवं आज के विवांता हॉस्पिटल द्वारा किए गए कैंप की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नदियों से अवैध रूप से रेत की होने वाली चोरी के खिलाफ रावणवाड़ा पुलिस सक्रिय है। 26 मई को रावणवाड़ा पुलिस ने अवैध रेत से भरी हुई एक ट्रॉली पकड़ी जिस पर खनिज नियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुखबिर की सूचना पर रावणवाड़ा पुलिस के उपनिरीक्षक मुकेश डोंगरे और SI जितेंद्र रोई के आरक्षक सुमित नागले और आरक्षक मैंग रघुवंशी की टीम ने ग्राम शंकरपुर मंडला के पास बिना रॉयल्टी की रेत भरकर परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। ट्रैक्टर चालक रितेश परतीती के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान सहित मध्य प्रदेश खनिज नियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसी तरह अवैध रेत और अवैध कोयला परिवहन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी है। श्री दिगंबर जैन मोक्ष मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री वीतराग भवन में 8 दिवसीय जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर का भव्य शुभारंभ किया गया। शिविर में छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश से 200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं जो सदाचार के साथ जैन दर्शन का क्रमिक अध्ययन करेंगे। शिविर के विषय में फेडरेशन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन द्वारा जानकारी देकर शुभकामनाएं दी गयी। के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारी फिट के खूब सारे कॉन्सेप्ट नए लेकर के किसी ना किसी टॉपिक को स्पर्श करती हुई ही चलेगी। समझ में आया? आपको समर कैंप की फीलिंग होगी लेकिन धर्म के साथ। अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित हमारे वीतराग भवन में दिगंबर जैन मोक्ष मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और वीतराग विज्ञान पाठशाला के संयुक्त तत्वावधान में 8 दिवसीय जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर का बहुत ही मंगलमय वातावरण में शुभारंभ हुआ। बच्चों ने सुबह जिनेन्द्र पूजन किया, फिर अहिंसा रैली निकालकर वीतराग भवन आए जहाँ पर हमारे कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी परिवार द्वारा किया गया। पश्चात हमारे अतिथि विद्वान आदरणीय विराज जी शास्त्री, संजय जी सिद्धार्थी, इंदौर की पूरी टीम ने इस शिविर का शुभारंभ किया। बहुत ही मंगलमय वातावरण में इस 8 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ जिसमें हमारी पाठशाला की पूरी टीम, वर्षा जी पाटनी है, आर्या जी और हमारे जो बाहर से पधारे विद्वान हैं, बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं। सभी को किट का वितरण किया गया। सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय ये आयोजन चलेगा और आपसे गर्भवत निवेदन है, सुबह, दोपहर और रात्रि आप जरूर आइए और हमारे शिविर का लाभ लीजिए। धन्यवाद। अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज, रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांसद नकुलनाथ उमरेठ में की विशाल जनसभा। नकुलनाथ का ऐलान, सरकार बनते ही छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी वो खुद संभालेंगे। जिले में एक बार फिर शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। 5 साल से कम उम्र के 2.5 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत नगर निगम दफ्तर के सामने से बनेगी सड़क। जिला भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने किया भूमि पूजन। और नौतपा में मौसम के बदले तेवर, तेज हवाओं के साथ बारिश, चौरे में गिरे ओले। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।